आज तारीख हो चुकी है 15 जुलाई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेट जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल ऑफिशियली एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जहाँ पर अपने नए हेड कोच की कल इस टीम ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, जहाँ पर फाइनली एक लंबे डिस्कशन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर करंट यहाँ पर कोच जस्टिन लेंगर को इन्होंने हेड कोच का पद दे दिया। तो कुल मिलाकर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब जस्टिन लेंगर यहाँ पर आईपीएल 2024 के एडिशन में इस टीम के हेड कोच रहेंगे। इवन ऑक्शन में अब कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर परचेज करने हैं, कौन से प्लेयर रिलीज करने हैं, ये सब कुछ है। अब जस्टिन लेंगर यहाँ पर डिसीजन लेंगे। हालांकि यहाँ पर एक और खबर निकल कर आ रही है, गौतम गंभीर शायद इस टीम को नहीं छोड़ रहे। पहले खबर निकल कर आ रही थी गंभीर इस टीम को छोड़कर कोलकाता में जा रहे, लेकिन यहाँ पर लखनऊ के ओनर्स ने गंभीर से रिक्वेस्ट करी कि वो इसी टीम में रहे, इसी टीम में वो यहाँ पर रहकर इस टीम का साथ दे, इनको छोड़कर वो कोलकाता में ना जाए। तो शायद कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गौतम गंभीर अब इसी टीम में रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग गंभीर का ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है एक बार फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। दरअसल लखनऊ के लिए अब यहाँ पर एक नए हेड कोच के अनाउंसमेंट के बाद दो यहाँ पर काफी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर रही है, जहाँ पर सबसे पहले तो ये टीम नए कप्तान की यहाँ पर खोज में, आईपीएल 2024 के एडिशन में ये टीम नया कप्तान यहाँ पर अनाउंस करेगी, जहाँ पर इस टीम के कोच जस्टिन लेंगर ने ये कन्फर्म कर दिया कि अब यहाँ पर केएल राहुल के साथ ये टीम कंटिन्यू नहीं रहेगी। जहाँ पर केएल राहुल की बैटिंग अप्रोच से इस टीम के ओनर कुछ नहीं थे, इसके साथ ही इस टीम के नए हेड कोच भी यहाँ पर कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेयर कप्तान बने जो कि यहाँ पर एग्रेसिव क्रिकेट खेल सके। तो केएल राहुल से ये टीम कुछ नहीं, इस वजह से केएल राहुल को ये ट्रेड और रिलीज करने को तैयार है। तो यहाँ पर इस ट्रेड विंडो में केएल राहुल हमें ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं, काफी हाईली चांसेस हो सकता है केएल राहुल अब इस टीम को छोड़कर किसी और टीम में चले। इसके साथ ही क्विंटन डिकॉक को भी ये टीम रिलीज करी है, जहाँ पर क्विंटन डिकॉक के पर्सनली इस टीम के मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर कुछ अच्छे यहाँ पर संबंध नहीं है। तो इस वजह से डिकॉक को भी ये टीम रिलीज करी है। यहाँ पर रिपोर्ट ये भी है कि डिकॉक को ऑफिशियली ये टीम रिलीज लेटर भेज चुके, तो डिकॉक भी अब ट्रेड हो सकते हैं मोस्ट लाइकली यहाँ पर 3 से 4 दिनों में। अब केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक की ट्रेड को लेकर हमें बड़ी खबर देखने को मिल सकती है। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी खबरें मिल जाएगी। इसी वजह से वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर दे। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही यहाँ पर इनकी यहाँ पर ट्रेड कन्फर्म होगी, आपको सबसे पहले वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है राहुल द्रविड़ की तरफ से। दरअसल राहुल द्रविड़ का अब यहाँ पर भारतीय टीम के कोच के रूप में कार्यकाल समाप्त होने वाला है, जहाँ पर ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इनके कार्यकाल में भारतीय टीम अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज खेल रही है वेस्टइंडीज के बाद। अब भारतीय टीम जो अगली टेस्ट सीरीज खेलेगी, उस टेस्ट सीरीज में अब टीम इंडिया के यहाँ पर नए हेड कोच के रूप में हमें कोई नया यहाँ पर कोच देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ओडीआई वर्ल्ड कप द्रविड़ के यहाँ पर कोचिंग करियर का ऑलमोस्ट यहाँ पर भारतीय टीम में आखिरी वर्ल्ड कप है, जहाँ पर द्रविड़ के यहाँ पर कोचिंग टाइम पीरियड में भारतीय टीम अभी तक कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई। तो हो सकता है ओडीआई वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीत जाए। आप कमेंट करके बताएं आप द्रविड़ के बाद आखिर किसे भारतीय टीम के नए कोच के रूप में देखना चाहोगे। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। दरअसल चेन्नई की टीम यहाँ पर करंटली MLC लीग में टेक्सास सुपर किंग्स से यहाँ पर अभी मुकाबले खेल रही है, जहाँ पर टेक्सास सुपर किंग ने अपना पहला मुकाबला कोलकाता की टीम यहाँ पर लॉस एंजलिस के खिलाफ यहाँ पर कल के दिन जीता था। इस मुकाबले में इस टीम के लिए ड्वेन कॉनवे ने यहाँ पर 37 बॉल में 55 रन बनाए थे, जबकि मिलर ने यहाँ पर 42 बॉल्स में 61 रन बनाए थे। तो कुल मिलाकर मिलर इसके साथ ही कॉनवे का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों के अच्छे परफॉर्मेंस के बदौलत इस टीम ने पहला मुकाबला काफ़ी आसानी से जीत लिया और कोलकाता की टीम को पहले मुकाबले में पटकर नहीं दिया। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा इस टीम का स्टार्ट रहा है, जहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये टीम लग रही है, काफ़ी अच्छा इनका कॉम्बिनेशन लग रहा है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या चेन्नई की टीम आखिर MLC लीग भी जीत सकती है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है MLC लीग के दूसरे मुकाबले को लेकर। दरअसल जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, इस लीग का दूसरा मुकाबला भी समाप्त हो चुका है, जहाँ पर मुंबई की टीम MI न्यूयॉर्क इसके साथ ही यहाँ पर सेन यूनिकॉर्न इन टीमों के बीच मुकाबला हुआ था। आप अपनी स्क्रीन पर स्कोर कार्ड देख पा रहे होंगे और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, तीसरा मुकाबला भी चल रहा होगा, जो कि आप जियो सिनेमा पर इसके साथ स्पोर्ट्स 18 पर लाइव देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम इन मुकाबलों को टेलीकास्ट
करते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉल करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ये मुकाबले भी देख सकते हो। इसके साथ ही अब जल्दी यहाँ पर एक बड़ा गिव अवे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो गिव अवे जीतने के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है SA20 लीग में यहाँ पर लखनऊ की टीम डर्बन सुपर जाइंट्स को लेकर। दरअसल SA20 लीग में यहाँ पर लखनऊ की टीम यहाँ पर डर्बन सुपर जाइंट्स ने काफी बड़ा फैसला लिया, जहाँ पर क्विंटन डिकॉक के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं है, इसी वजह से क्विंटन डिकॉक को इन्होंने कप्तानी से हटा दिया डर्बन सुपर जाइंट्स के लिए। अब इस यहाँ पर SA20 लीग के एडिशन में अब क्विंटन डिकॉक कप्तानी नहीं करेंगे, क्विंटन डिकॉक को कप्तानी से हटा दिया गया, कप्तानी से रिमूव कर दिया गया। इसके साथ ही डिकॉक की जगह अब यहाँ पर केशव महाराज इस टीम की कप्तानी करेंगे, केशव महाराज को अब नया कप्तान घोषित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर SA20 लीग में अब यहाँ पर डर्बन सुपर जाइंट्स को नया कप्तान मिल चुका है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स ये है कि SA20 लीग में भी अब क्विंटन डिकॉक को यहाँ पर टीम से भी ये रिमूव कर रहे, टीम से भी रिलीज कर रहे। तो डिकॉक अब IPL में इसके साथ ही SA20 लीग में हमें नई टीम से अब खेलते हुए देखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आप डिकॉक को IPL में आखिर कौन सी टीम की तरफ से खेलते हुए देखना चाहते हो। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है सुरेश रैना की तरफ से। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर एक फोटो देख पा रहे हो, जहाँ पर सुरेश रैना ने अभी रिसेंटली जो यहाँ पर रेस्टोरेंट यहाँ पर नेदरलैंड में ओपन करी, उस रेस्टोरेंट में इन्होंने यहाँ पर MS धोनी की जर्सी लगा रखी। इससे ये साबित होता है कि MS धोनी को ये कितना अधिक पसंद करते हैं, कितना MS धोनी की क्लोज है। MS धोनी की इन्होंने यहाँ पर पर्सनली यहाँ पर जर्सी लगा रखी है, जो कि ये फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी अधिक यहाँ पर वायरल हो रही है, काफ़ी अधिक चर्चाओं में ये फोटो। आप कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा फोटो लगा और आपके अकॉर्डिंग क्या रैना को यहाँ पर चेन्नई में कोच का यहाँ पर रोल मिलना चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड को लेकर। दरअसल फाइनली इस साल यहाँ पर जो 18 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक एशियन गेम्स होंगे, जो T20 फॉर्मेट में यहाँ पर होंगे, उनके लिए कल टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, जहाँ पर गायकवाड़ को कप्तानी मिली। इसके साथ ही जयसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, इसके साथ रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप, मुकेश कुमार, शिवम मावी, शिवम दुबे और परब सिमरन सिंह को यहाँ पर मौका मिला। हालांकि स्टैंड बाई में यश ठाकुर को, सई किशोर को, इसके साथ ही यहाँ पर वेंकटेश अय्यर को, दीपक हुड्डा को और सई सुदर्शन को रखा गया। तो इस प्रकार से ये स्क्वाड है काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लग रहा है। हालांकि पहले खबर थी कि शिखर धवन को यहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन शिखर धवन को यहाँ पर नहीं लिया गया, बल्कि यहाँ पर गायकवाड़ को कप्तानी दी गई। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा स्क्वाड लगा और आपके अकॉर्डिंग क्या स्क्वाड ये स्क्वाड टूर्नामेंट जीत सकता है या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।